तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था हमारा ना, अभी अगला पार्ट है। यहाँ पे हम पहले गॉस लॉ पढ़ेंगे, फिर कंडक्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर्स। ठीक है, गॉस लॉ पे जाने से पहले हमें दो चीज़ों से फैमिलियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले एरिया वेक्टर क्या होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, उसके बाद हम गॉस लॉ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले लिख लो एरिया वेक्टर, पता है क्या तुम लोगों को? ये पढ़ा है इससे पहले? नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो देखो एरिया वेक्टर आप दो तरह के सरफेस हो सकते हैं तुम्हारे पास। एक पॉसिबिलिटी तो है कि ओपन सरफेस हो और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्लोज सरफेस हो। दोनों केसेस में हम बताएं एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे ये सीखेंगे। क्लोज्ड सरफेस, ओपन सरफेस मतलब कैसा हो सकता है? जैसे रेक्टेंगल हो जाए तुम्हारे पास, है ना, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ये साइड मान लो ए है, ये साइड बी है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है तुम्हारी, और ये जेड एक्सिस। ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे ना? सबसे पहले तो समझो एरिया वेक्टर एक वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस के एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो पहले तो लिख लो डेफिनेशन। एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बताओ यहाँ पे जो एरिया वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, इस एरिया का, मैं इस सरफेस, इसका सरफेस एरिया कितना है रेक्टेंगल का? ए बी है ना, ए इंटू बी, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है? जेड। तो क्या लेंगे हम, के कैप या माइनस के कैप? क्यों माइनस के कैप लेने में क्या दिक्कत है? क्या कन्वेंशन, ऐसा कैसा कन्वेंशन है? तुम कन्वेंशन भी समझते नहीं हो, मतलब यहाँ पे कुछ क्या है, दोनों डायरेक्शन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो क्या लें भाई, देख इसके परपेंडिकुलर जो डेफिनेशन बोल रही है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, दोनों ही डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो तुम कोई भी ले सकते हो, ये भी सही है ये भी सही है, पर एक बार जिस डायरेक्शन को मान लिया उसको फिर पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन मान के चलना है, ये ध्यान रखना। तुमको ऊपर वाले को पॉजिटिव मानना है, ऊपर वाले को मान लो, नीचे वाले को मानना है नीचे, मतलब तुम्हें जिस भी डायरेक्शन में तुम्हें मानना है तुम अपने दिमाग में सोच लो मैं एरिया वेक्टर ऐसे सोच रहा हूँ, तो फिर पूरे क्वेश्चन तुम ऐसे ही सोचोगे उसको, अगर तुम्हें ऐसे सोचना है तो ऐसे सोचोगे। बात समझ में आई क्या? कुछ भी मान सकते हो, दोनों ही सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक डिस्क ले लूँ, एक डिस्क ले लूँगा आर रेडियस की, और ये तुम्हारा जेड डायरेक्शन है, तो बताओ इसका क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर? पाई आर स्क्वायर या फिर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो तुम, पर कोई एक लेना याद रखना ना, कंसीडर ईदर वन ऑफ देम। लिखो ये बनाओ पहले जल्दी से, ओपन वाला। लिख लिया, देखो कंसीडर ईदर वन ऑफ द टू डायरेक्शंस, कंसीडर ईदर वन ऑफ द टू डायरेक्शंस एंड फॉलो इट थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है क्या? अब देखो क्लोज सरफेस में किस तरह से होगा, मान लो तुम्हारे पास स्फीयर है, एक स्फेरिकल मान लो ना, रेडियस आ रहे स्फेरिकल शेल है, तो यहां पर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो पहले तो समझो इस पूरे एरिया का तुम एक साथ नहीं लिख सकते, समझ रहे हो, हर जगह उसका कर्वेचर चेंज हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ भी एक स्पॉट कल बना लो, एक छोटा सा एरिया ले लो, है ना, सबसे हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया मान लेंगे डी ए। अब इसका डायरेक्शन लिखना है, तब क्वेश्चन है इसका डायरेक्शन अपन क्या लिखें, एरिया वेक्टर, समझ में आया क्या? छोटा सा एरिया मान लिया डी ए, तो उसका डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा?
सरफेस एरिया तो डीए है, और डायरेक्शन अब क्या लेंगे, आर कैप या माइनस आर कैप? अरे इसको आर कैप से बोलते हैं ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आर कैप बोलते हैं। तो आर कैप लें या माइनस आर कैप? क्योंकि देखो अभी तक जो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए तुम्हारा मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो दोनों सही हैं, पर हमने क्या कहा भाई क्लोज सरफेस में हमारी जो जरूरत थी हमने उन दोनों में से किसी एक को सही मानेंगे, और हमेशा एक कन्वेंशन में, यहाँ पे एक कन्वेंशन डिसाइड कर रहे हैं हम लोगों ने बोला कि जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको सही मानेंगे इसको गलत मानेंगे, ये हमने कन्वेंशन ले लिया है। क्लोज सरफेस में ध्यान रखना तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, क्लोज सरफेस में कहाँ मानोगे, हमेशा रेडियली आउटवर्ड। तो लिखो व्हेन द सरफेस इज क्लोज्ड बाई कन्वेंशन एरिया वेक्टर इज कंसिडर्ड ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को राइट द एरिया वेक्टर फॉर ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द गिवन क्यूबॉइड राइट एरिया वेक्टर फॉर ऑल द सिक्स फेसेस। ये लेंथ दे दिया ना उसकी, तीनों लेंथ, लेंथ ब्रेथ और हाइट ए बी सी। फाइंड द एरिया वेक्टर फॉर ऑल द सिक्स फेसेस ऑफ द गिवन क्यूबॉइड। जो नाम दे देते हैं उसके लिए ना, कन्फ्यूजन ना हो, तो लो ले लो, ले लो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो बताओ सबके लिए लिखो है ना, सबसे पहले सरफेस कौन सा ले लेते हैं, सरफेस, और यहाँ पे तुम्हें एरिया वेक्टर लिखना है। तो सरफेस ले लो सबसे पहले पी क्यू वी यू, इसका बताओ क्या होगा एरिया वेक्टर इस सरफेस का पी क्यू वी यू। पहले तो एरिया बता दो, चलो तुम एरिया कितना होगा, एरिया वेक्टर दूर की बात है तुम्हारे लिए, पक्का इसका चाहिए ना, ये लेंथ कितनी है बी और ये कितनी है, कितना हुआ बी सी। डायरेक्शन इस पर जो एरिया वेक्टर आएगा कैसा आएगा, देखो आई कैप है माइनस आई कैप, अब आउटवर्ड कौन सा है इस क्यूब के लिए, ये वाला, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर तुम्हारे यहाँ पे, ए वन वेक्टर बोल दो जो भी लेना है, तो बी सी आई कैप। देखो कोई डाउट है क्या, एरिया लिखना निकालना तो तुम लोगों को आता है, वो मैं नहीं सिखा सकता, उसके बाद क्या करना है बस आउटवर्ड वाला डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो होंगे उनमें से जो भी आउटवर्ड है उस क्लोज्ड सरफेस के लिए उसको ले लेंगे। चलो अब लिखो टी यू वी एस, इसके लिए लिखो ये लेंथ कितनी है ए सी ए, और ये वाली लेंथ कितनी है सी, तो एरिया तो है ए सी और डायरेक्शन ये ऊपर के डायरेक्शन में आएगा जे कैप। किसी को डाउट होना तो अभी पूछ लेना। चलो जल्दी से फटाके से सारे सरफेस के लिए लिखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी ओ आर एस ओ पी क्यू आर ओ पी यू टी एस वी क्यू आर, ये लो ये छः लिख दिए। हो गया, चलो बताओ टी ओ आर एस है ना ये वाला, इसका देखो एरिया तो इसका क्लियरली बी सी है, ये इसका अपोजिट वाला है ना, पर इसमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा, सब में बाहर की तरफ जा रहा है, इसका बाहर तरफ कौन सा है माइनस आई कैप, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। अगला कौन सा है ओ पी ओ पी क्यू आर, ठीक है ओ पी क्यू आर का बता दें भाई, ये इसका अपोजिट वाला है ना, इसका एरिया कितना था तुम्हारा ए सी, इसका भी एरिया ए सी हो जाएगा, ये इसका अपोजिट है बस माइनस जे कैप, इसका एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, इसका ऊपर जा रहा था इसका नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, अब कौन से बचे, एक ये बचा और एक ये बचा, तो लिखते हैं ओ पी यू टी, ये वाला इसका लिख रहे हैं ना ओ पी यू टी, इसका बताओ कैसा होगा, इसके अपोजिट जाएगा, ऐसे जाएगा बाहर की तरफ है ना, माइनस के कैप में जाएगा, ये ए फाइव वेक्टर बोल देते हैं। तो कितना आ गया तुम्हारा, एरिया है इसका ए इंटू बी, ए इंटू बी माइनस के कैप,
और इसका क्या आएगा बताओ? अगेन वो उसका अपोजिट ही है, ए बी के कैप। तो सारे लिख दिए अपने ना, इसका ऐसा आ जाएगा ए सी।